है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 2024 का महासमर। पीछे नेताओं की फोटो देखकर आपको लगा होगा कि ये कोई पॉलिटिकल डिबेट है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई जिनको लेकर आज इस पूरी जो डिबेट है इसको कहीं ना कहीं मुझे चेंज करना पड़ा। आज बात राजनीति की नहीं होगी, बात उस तबके की होगी जिसको लेकर देश विदेश और प्रदेशों में भी बड़ी जोर जोर से स्पीकरों में भाषण दिए जाते हैं। आज बात होगी खाकी की, बात होगी पुलिसिया सिस्टम की, और बात होगी कि पुलिस को हुआ क्या है और कहां उनका कंट्रोल छूट रहा है। कहीं पर चौकी में फांसी लग जा रही है, कहीं एफआईआर कराने पर पट्टे चल रहे हैं, तो कहीं मुफ्त की सब्जी ना मिलने पर आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा है। आज बात इसी पर करेंगे, आउट ऑफ कंट्रोल। ये सारे पुलिस वालों ने हमारे पीड़ित को परेशान किया और मारने की कोशिश करी और बहुत मारा। एक वीडियो कानपुर में वायरल होता है। बताया जाता है कि वो एक सब्जी विक्रेता है और अपनी मां से माफी मांगता है, उसके बाद दो नाम लेता है, उसके फांसी लगा लेता है। उस तस्वीर को आप देखिए, फिर आगे की और घटनाओं को आपको दिखाएंगे। ये वो तस्वीर है। सब लोग देख लेंगे जो होता है। मैं लास्ट टाइम आपके लिए बता रहा हूँ जैसा है आपके लिए। मैं केवल अपने आप से आप पीड़ित होके मैं फांसी लगा रहा हूँ। ओके जी। विक्रेता है जिस पर दो, एक दरोगा और एक सिपाही पर यह आरोप लगाया है कि इनको फ्री में सब्जी ना देने पर मारपीट करते थे, पैसे छीन लेते थे। अच्छी खासी तनख्वाह होती है जिन दोनों पदों का मैंने नाम लिया है। 200-300-400 की सब्जी एक वाला ये कमाता था, लेकिन विनाशकाली विपरीत बुद्धि। कई बार हमें ये शब्द सुनने को मिलते हैं और वही एक मंजर यहाँ पर देखने को मिला। इस मामले पे विजय डूल पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार वो सुन लेते हैं। सर, सचेली आत्महत्या के मामले में कुछ ऑडियो वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऑडियो हमें भी प्राप्त हुए हैं। मैं इस संबंध में बताना चाहता हूं कि जो मृतक सुनील हैं उनका जो मोबाइल फ़ोन है वो उनके परिवारजन के द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराया गया है और उसको हम नियमानुसार उसकी जांच हेतु फॉरेंसिक विभाग को भेज रहे हैं और उसमें जो जांचोपरांत जो चीज़ें सामने आएंगी उसके आधार पर विवेचना में आगे कार्रवाई की जाएगी। विवेचना में ये कार्रवाई होगी तो बहुत अच्छी बात है। एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे कानपुर की ही। आरोप है कि सेन भीम सेन थाना करके एक जगह है कानपुर की, जहां पर एफआईआर कराने की तस्वीर, जो एफआईआर कराने गया था उसके साथ किस तरीके से मारपीट होती है। शायद कुछ नई कानून लागू होंगे। एक बार ये आवाज़, ये वीडियो को देखिए आप। हमारे पीड़ित को परेशान किया जा रहा है और ये सारे पुलिस वाले पीकर बैठे हुए हैं और इन्होंने सारा हमारे पीड़ित को परेशान किया। हम लोग यहाँ एफआईआर करने आए थे तो इन लोगों ने परेशान किया हमारे पीड़ित को। ये सारे बंदों ने परेशान किया है। ये सारे पुलिस वालों ने हमारे पीड़ित को परेशान किया और मारने की कोशिश करी और बहुत मारा। और ये पीठ ला भाई जी, पीठ दिखाओ, बन पीठ दिखाओ, पीठ दिखाओ, पीठ के दिखाओ। एक वीडियो भेज दे, तुम सीएम ऑफिस को तुरंत टैग करके करो सर।
जहां पर देखिए किस तरीके से मारा, ये निशान, ये देखिए हमारे पीड़ित को इतना मारा है, और हम लोग यहाँ एप्लीकेशन देने आए थे, हमारे पीड़ित को इतना परेशान किया गया है ये पुलिस वाले ने, इन्होंने ऑर्डर किया है, ये चौकी इंचार्ज है, इन्होंने ऑर्डर दिया है कि हमारे पीड़ित को आप अंदर ले जाके मारो, और इन्होंने ये इन्होंने ऑर्डर दिया है सर, ये हम ना ना दिखाओ, ये देखिए आप लिपा पोती करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पीड़ित को इतना मारा है, ये देख लीजिए इनकी पेट छिली हुई है, ये इन्होंने, ये चौकी इंचार्ज है, इन्होंने ये ऑर्डर दिया है और इन्होंने मिलके मारा हुआ है, ये दीवान जी है, कल रात में भी हमने एप्लीकेशन दी तो इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, और ये दारू पी के हमारे पीड़ित को परेशान कर रहे हैं, ये आप देखिए, आप ये चौकी इंचार्ज हमारे को अब हमारी अब तो ये तस्वीरें आपने देखी कि एक दीवान, एक सिपाही और एक चौकी इंचार्ज पर यह आरोप लगा, इसीलिए मैं शांत हुआ क्योंकि उसमें पीड़ित खुद ही बता रहे हैं हम करने क्या आए थे। नोएडा की तस्वीर इन दोनों से और भयावह है, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, पुलिस कस्टडी में या पुलिस की चौकी में फांसी लगा ली, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत बवाल हो गया, पुलिस का कहना है कि आरोपी ने फांसी लगाकर जान दी, मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस द्वारा 5 लाख की रिश्वत मांगी गई थी जिसके बाद सौदेबाजी न लाने पर आरोपी फांसी लगाकर मार दिया। बहरहाल लक्ष्मी सिंह जो कि वहां की कमिश्नर हैं, उन्होंने पूरी चौकी को निलंबित कर दिया है, साथ ही शव की वीडियोग्राफी के भी आदेश दिए हैं। डीसीपी नोएडा सेंट्रल का क्या कुछ कहना है इस मामले पर, सुनीति जी का एक बार वो सुन लेते हैं। कल मेरे भाई को टालाए थी, ये इन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी, लोग 5 लाख रुपए दे दो, मेरे 50,000 रुपए ने रात दे दिया, 1,000 रुपए इन्होंने दारू मांगे, और फिर 4,500 रुपए मिल के मैं सुबह दे दूंगा, इन्होंने कहा तेरे भाई को हम सुबह छोड़ देंगे, और इन्होंने पास लगा के मार दिया इन्होंने, और सुबह से मैं 6 बजे से खड़ा हूँ, रात में 9:30 बजे तक यही पर भूखा प्यासा मैं, मेरी मम्मी मेरा भाई बेटी यही पे। किसने मांगे थे पैसे? देखिए जो मृतक हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन योगेश कुमार सन ऑफ तेजवीर सिंह, ये मूल रूप से खैर अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुआ है, जो यहाँ पर चिपियाना में एक डोनाल्ड पार्टीज वर्कशॉप करके है, एक बेकरी की दुकान है, उसमें काम करते थे, जो अभी तक जांच के क्रम में हमको पता चला है कि एक इनकी सहकर्मी द्वारा भी इन पर कुछ एलिगेशन लगाया गया था। तो ये तस्वीरें आपने नोएडा की देखी, गौतम बुद्ध नगर, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमिताभ ठाकुर जी हैं, पूर्व आईपीएस हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमिताभ ठाकुर जो पूर्व आईपीएस है हमसे जुड़ेंगे, उससे पहले सतवीर सिंह हैं सामाजिक कार्यकर्ता, अमित शर्मा कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, और राजू शर्मा मेरठ जुड़े हैं। और मेरठ की तस्वीरें मैं दिखाना भूल गया, लेकिन वो भी एसएसपी ऑफिस के अंदर सुसाइड की थी, एक दंपत्ति का जमीनी विवाद था, सीधे राजू शर्मा के पास ही चलेंगे। राजू, एक जमीनी विवाद को लेकर एक दंपत्ति पहुंचा हुआ था, वहां सुसाइड की कोशिश की गई है एसएसपी ऑफिस में। महिला जो है एसएसपी की चौखट पर पहुंची, और उम्मीद थी उसे कि यहाँ पर जो मुझे कप्तान साहब बैठे हैं रोहित सिंह साजवान, वो न्याय देंगे, लेकिन उसे न्याय
नहीं मिला उससे आहत होकर उसने कप्तान की चौखट के बाहर ही पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का प्रयास किया, आत्मदाह करने का प्रयास किया। हालांकि जो आसपास जो वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे, किसी तरह उन्होंने उससे जो पेट्रोल की बोतल थी वो छीनी और उसके बाद उसको काबू में किया और फिर उसे एक शांत एरिया में ले जाके बिठाया, समझाया गया कि तुम्हारी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी उम्मीद के साथ जो महिला है वो कप्तान की चौखट पर पहुंची थी कि मेरी यहाँ सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद कार्रवाई जो है वो आरोपियों के खिलाफ की जाएगी, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं हुआ बल्कि उसे वहाँ से ठुकरा दिया गया या कह दे कि उसे टरका दिया गया वहाँ से। उसके बाद उसने आहत होकर आत्मघाती जो कदम है आत्महत्या का वो वहाँ पर उठाया, तो कहीं ना कहीं जो पुलिसिया कार्रवाई है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि महिला जो है पुलिस कार्रवाई से परेशान थी। बताया गया है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी जो आरोपित पक्ष है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी, बाकायदा मुकदमा भी 420, 67 और 68 यानी कि गिरफ्तारी वाली जो धाराएं थी उनमें दर्ज था, उसके बाद भी जो आरोपी की गिरफ्तारी है वो नहीं की गई थी। जबकि इस बात का मामला बताया गया था धोखाधड़ी करके जो पीड़ित महिला है, बताया गया कि ये विधवा महिला थी और अनुसूचित जाति से थी, दलित समाज से थी, उसकी जो जमीन है धोखाधड़ी करके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वो बेच दी गई और जब महिला को इस बात का पता चला तो उसने संबंधित जो थाना है वहां पर शिकायत की, मुकदमा दर्ज कराया और उसने उम्मीद जताई कि अब शिकायत होने के बाद कहीं ना कहीं उसे इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ की जगह उसे जो मिले वो ठोकरें मिली, सड़काया गया, कभी कप्तान ऑफिस, कभी एसपी ऑफिस, तो कभी सी ऑफिस, कभी थाना, तमाम इन चक्करों को काट कर आज महिला परेशान हुई और एक बार फिर मेरठ के SSP रोहित सिंह साजवान के पास पहुंची। उम्मीद थी उसे कि आज शायद मुझे न्याय मिल जाएगा, लेकिन जब उसे न्याय नहीं मिला तो उससे आहत होकर उसने आज आत्महत्या का प्रयास किया, बाकायदा पेट्रोल की बोतल लेकर पहुंची थी और जैसे ही कप्तान ऑफिस से जैसे ही बाहर निकली कप्तान के कार्यालय से, इसी दौरान उसने पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। तो विशाल, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस किस तरीके से कार्य कर रही है, कितनी लापरवाह हो चुकी है और किस तरीके से जो पीड़ित लोग हैं, सूबे के मुखिया बड़े दावे करते हैं कि अब जनता की जो सुनवाई है थानों में हो रही है, लेकिन थाने तो छोड़िए विशाल, कप्तान के ऑफिस तक में अब सुनवाई नहीं हो रही है, आत्महत्या जो है वो अब पीड़ितों को करनी पड़ रही है। वो समाधान दिवस, तहसील दिवस, सब कहीं ना कहीं मुझे लगता है सब हवा हवाई बातें हैं, अगर ये सब हो तो दिक्कत ही ना हो। अमित शर्मा हमारे साथ बने हुए। अमित शर्मा, एक ये जो मामला था सब्जी विक्रेता की आत्महत्या वाला, इसमें बताया जा रहा दरोगा और सिपाही फरार हो गए हैं, क्या ऐसी कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस दिन ये मामला हुआ था उसी दिन दरोगा फरार हो गए थे, क्योंकि ग्रामीणों ने जो है वो चौकी के पास पहुंचकर काफी हंगामा काटा था। उसके बाद जब आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों का ये कहना था, परिवारजनों का भी ये कहना था कि दरोगा को सामने लाया जाए ताकि बात सच्चाई पता चले, क्योंकि बेटा तो उनका फांसी के फंदे में झूल गया था। ऐसे में दरोगा और जो उसका साथी सिपाही था वो दोनों ही फरार हो गए थे। ACP पंकी ने ये बताया था कि मामला दर्ज कर लिया गया, उन पर विभागीय जांच भी बैठा दी गई। ऐसे में फरार दरोगा पर किस तरीके की कार्रवाई आगे होगी ये अभी देखना होगा, क्योंकि सिर्फ जांच के नाम पर मामले को टाल दिया गया। ऐसे में कुछ ऑडियो भी वायरल हुए हैं कि किस तरीके से वो जो दरोगा था वो उस लड़के से उगाही का काम कर रहा था, 3 लाख रुपए की वसूली जैसा मामला सामने आ रहा है, ऐसे कुछ ऑडियो वायरल हुए हैं और पुलिस को उस लड़के का फोन परिवार वालों ने दे दिया है, तो अब उस पर जांच चल रही है। अमिताभ को रोकेंगे, हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर भी जुड़ चुका है। अमिताभ जी, पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहेंगे? आपने बहुत करीब से इस महकमे को देखा, आप खुद बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो कहीं पे SSP ऑफिस में इंसाफ नहीं हो रहा है तो SSP ऑफिस के चौखट पे जाकर आदमी पेट्रोल डाल के आग लगा रहा है, कहीं सब्जी विक्रेता से 3 लाख की फिरौती मांगी जा रही है, कहीं पर आपका कुछ चौकी के अंदर फांसी लगा ले रहा है अभियुक्त। से पूछिए तो ये सारी बातें इनकी बुनियाद और इनका कहीं ना कहीं लिंक सीधे सीधे शासन से है। जो अगर मैं कहूं, चूंकि मैं विपक्षी दल का हूं तो कहेंगे कि मैं मतलब राजनीति की बात कर रहा हूं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा पाएगा कि इनके तार ऊपर से जुड़े हैं, कि वैसे तो हर समय इस प्रकार के अन्याय होते रहे, पुलिसिया उत्पीड़न, पुलिसिया अन्याय हमेशा होते रहे, लेकिन मौजूदा सरकार में चीजें बेइंतहा इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि एक पुलिसिया राज बनाने की खुली छूट
जो श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया, उन्होंने अपने उद्देश्यों के लिए, अपने पॉलिटिकल राइवल्स के लिए, अपने विपक्षियों, विरोधियों, अपने आलोचकों, निंदकों पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कहा पुलिस को जाओ मार डालो, जाओ जो क्या बोलते हैं मैं धूल में मिटा दूंगा, भला कर दूंगा। उसी का यह परिणाम है कि ये गरीबों को, गरीबों को आपने देखा नोएडा में कैसे एक और व्यक्ति को धूल में मिटा दिया, उसका अंत, उसकी अंत्येष्टि करा दी, जो स्थितियां बनी हुई हैं। और सबसे देखिए आप नोएडा का ही उदाहरण देख लीजिए, मैं आपका धन्यवाद दूं कि आपने ये मामला उठाया। नोएडा में सीधे सीधे पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है, अभी तक मात्र निलंबन हुआ है, न तो उनकी गिरफ्तारी हुई है न FIR हुआ है। मेरा इस सरकार से सवाल है, क्योंकि SSP और कमिश्नर वो तो उनके नुमाइंदा हैं, उनके प्यादे हैं, प्रश्न ये है कि सरकार ने अब तक FIR क्यों नहीं कराया। जो पुलिस वाले इस तरह के इतने जघन्य कांड में एक एक जीवित व्यक्ति को, मृत जीवित व्यक्ति थाने में आए, मृत व्यक्ति आप निकाल रहे हैं, इतना जघन्य कार्य किया, आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, जबकि आप छोटे छोटे मामलों में विपक्षियों के मामले होते हैं जाके घर तोड़ाते हैं, बुलडोजर रखे हुए हैं, दिन भर बुलडोजर बुलडोजर करते रहते हैं, चुनाव बुलडोजर पर जीत रहे हैं। तो यह बुलडोजर आपका केवल केवल विपक्षियों के लिए, यह प्रश्न हर व्यक्ति के दिमाग में कौंध रहा है। उस हत्या का जिम्मेदार कौन है? हमारी निगाह में यह सरकार जिम्मेदार है जिसने इस तरह की शह दी। बिल्कुल सर। और कानपुर का मामला और आपको संक्षिप्त में बटवाया था, अमित शर्मा हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। अमित, जल्दी से अपना पूरे कानपुर में दो मामले हुए, दोनों को बताइए। देखिए, ये जो कानपुर में दो मामले हुए हैं और दोनों एक ही थाना क्षेत्र में हुए हैं, सचेंडी थाना क्षेत्र के भीमसेन चौकी का एक मामला है और दूसरा सचेंडी थाना क्षेत्र के ही कस्बे का है, जहां चकरपुर मंडी में एक सब्जी विक्रेता को प्रताड़ित किया गया जिससे आहत होकर उस युवक ने आत्महत्या कर ली। तो दूसरा मामला सचेंडी थाना क्षेत्र का ही है, जो भीमसेन चौकी में उसे अंदर बंद करके पुलिस कर्मियों ने पीटा था, उसके बाद उनके परिजनों ने हंगामा काटा था। आपको बता दें, जब से कानपुर में कमिश्नरेट लागू हुई है तो ये दरोगा और सिपाही अपने आप को कमिश्नर समझने लगे हैं और आम जनता को परेशान करने का काम करते हैं। ऐसे में बेलगाम हो चुके पुलिस कर्मी अब आम जनता के लिए एकदम काल बनकर साबित हो रहे हैं, क्योंकि कोई ठेला लगा रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, उसको भी इन्होंने परेशान करने का काम शुरू कर दिया है और थाने में बुलाकर उगाही करने जैसा काम किया है। क्योंकि जो ये सचिंडी कस्बे का मामला हुआ था जिसमें सुनील राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, तो ऐसे में जो उसका मोबाइल परिजनों को मिला उस पर तमाम तरीके के ऑडियो निकल के सामने आ रहे हैं। उसके बाद पुलिस अब बार बार ये कह रही है कि काम चल रहा है, जांच चल रही है, कार्रवाई होगी, लेकिन जिस तरीके से सचेंडी चौकी का वो दरोगा फरार है, वो सिपाही फरार है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस के हत्थे अब ये दरोगा और सिपाही कब लगने वाले हैं, क्योंकि दरोगा और सिपाही बिल्कुल बेलगाम हो चले हैं थाने के। जी सर, बताइए जरा, एक सब्जी वाले से कोई FIR कराने क्यों ही जाएगा अब थाने? मुझे तो अब ये लग रहा है। अमिताभ विशाल जी, विशाल जी, यदि आप मुझे अपनी बात कहने का, मैं पुनः कहूंगा। और देखिए, कष्ट का विषय ये होता है कि चूंकि मैंने बात वहीं शुरू की थी कि मैं तो चूंकि हूँ ही विपक्षी पार्टी में, और मेरा दायित्व है, मेरा अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, दायित्व भी, मैं सच्ची बात रखूं और जो आलोचना है सही वो करूं। लेकिन आश्चर्य मुझे इस बात का होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इन इन चीजों को भी डिफेंड करने लगते हैं। मैंने और सभी पार्टियों में देखा, सपा का राज था, बसपा का था, इससे पहले भाजपा के भी राज देखा था हमने, कम से कम उनके लोग इनकी तारीफ नहीं करने लगते थे। अब तो ये तुरंत कहने लगते हैं कि वाह वाह क्या बात है, अरे मर गया तो मर गया, उसी में दोष ढूंढने लगते हैं। इन्होंने ट्विटर पे अपने लोग बैठा रखे हैं जिसको IT सेल कहते हैं, IT सेल वाले मरने वाले का ही चरित्र हरण करने लगते हैं। खुदा न खास्ते अगर वो गलत धर्म का निकल गया किसी तरह से, तो दुनिया भर की उसके लिए बातें शुरू कर देते हैं और तमाम चीजें, धार्मिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, व्यक्तिगत आधार पे, पार्टीगत आधार पे, उसी को इस हद तक उसको जलील कर देते हैं, बजाय कि अपने जिस पुलिस वाले ने यह हत्या की है, सचिंडी का हमारे मित्र बता रहे हैं, कानपुर के हमारे साथी बता रहे हैं, कितनी जघन्य घटना के बारे में बता रहे हैं मिस्टर राजपूत का, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि जब से वहां पर पुलिस कमिश्नरेट बना है, लूट तंत्र हो गया है, खुलेआम लूट तंत्र है, पुलिस कमिश्नर मुखिया है लूट तंत्र का, और नीचे सारे प्यादे लूट रहे हैं और इनकी लगाम ऊपर में है, क्योंकि उनके लिए सारे गुनाह कर रहे हैं, उनके लिए, उनके विपक्षियों को। अब चुनाव है, ये चुनाव पुलिस लड़ रही है, प्रशासन लड़ रही है,
पुलिस को खुला छूट है, क्योंकि ये कहते हुए तकलीफ होती है कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को एक 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 बहुत ही विद्रुप पुलिसिया राज का रूप दे दिया है। ये कष्टप्रद है, दुखद है और खतरनाक भी है। मुनेंद्र शर्मा के पास चलेंगे, नोएडा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। मुनेंद्र, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? लक्ष्मी सिंह जो कि कमिश्नर हैं, उन्होंने जांच के आदेश दिए, तो उसमें क्या कुछ कुछ सामने आया? निलंबन की कार्रवाई कुछ और आगे बढ़ी? जी विशाल, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब ये बवाल पूरा हो गया है तो एक हर बार रिसीप्शन की जाती है अतीत से, और इस बार रिसीप्शन की गई, फिर से निलंबित, तो पूरी चौकी को कर दिया गया है। बट अभी तक सिर्फ निलंबन तक ही ये चीज रुकी हुई है, क्योंकि पीड़ित परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि 5 लाख रुपए की जो रिश्वत मांगी गई थी उसने 51,000 रुपए वो दे चुका है। अभी तक उसके आरोपी की पुष्टि करने का कोई आधार सामने नहीं आया है। पुलिस जांच की बात कर रही है, पुलिस कह रही है कि जो ना हम देख रहे हैं, हम इसको चेक करवा रहे हैं, लेकिन जो 51,000 उस मृतक के भाई ने उसको थानेदार को दिए, चौकी इंचार्ज को दिए थे, उससे भी अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। सिर्फ निलंबन की बात ही कही गई है, निलंबन ही हुआ है, उसके अलावा कोई और चीज अभी या कोई और कार्रवाई की बात अभी तक नहीं आई है। हम प्रतीक्षा रहते हैं कि कोई ऐसी चीज सामने आए, लेकिन जिस तरीके से पुलिस कमिश्नरेट जब से जो तो गौतम बुद्ध नगर के अंदर बना है, इससे अभी कुछ दिन पहले का एक मामला था कुणाल शर्मा का, ग्रेटर नोएडा का, बच्चे का किडनैप हुआ, उसके बाद में उसकी हत्या भी होगी, 2-3 दिन उसकी डेड बॉडी मिली, परिजनों को नहीं पुलिस वालों को बताया कि डेड बॉडी वहां पर मिली है। तो कुल मिलाकर के पुलिस पूरी तरीके से नाकाम है, सिर्फ थानों के अंदर एसी में बैठ के पुलिस अपना काम कर रही है, बाकी कोई और काम ग्रेटर नोएडा या नोएडा में नहीं किया जा रहा है। जी सामाजिक कार्यकर्ता सतवीर सिंह जी हैं। सतवीर सिंह जी, आपने सबको सुना, क्या हो क्या गया है? मतलब एक मेंटल अब तो प्रेशर आ जाएगा कि आप FIR कराने मत जाइए, आप किसी पुलिस वाले के लिए कुछ मत कहिए, पैसा नहीं मांगोगे तो आपका आदमी, मैं कह रहा हूँ अभियुक्त है, आरोपी है, संविधान कोर्ट इसकी बात इसीलिए तो होती कि भाई इसके तहत कार्रवाई होगी, इसके तहत इनको सब कुछ किया जाएगा। लेकिन फिर वही बात कि आपने पैसा मांगा, जो आरोप अभी तक लग रहे हैं, और नहीं आया तो फांसी लग गई। अब ये उसने लगा लिया, किसने लगा दिया, जांच का विषय है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? मुझे याद है मेरे एक बहुत करीबी मित्र चौकी में ही बंद हुए थे, तो उनके हाथ से कड़े उतरवा लिए गए थे, बेल्ट उतरवा लिए गए थे, चप्पलें उतरवा ली थी, ऐसी कोई भी चीज़ उनके हाथ या पूरे शरीर में नहीं थी। ये अंगूठा कैसे पहुंच गया वहां? कई जांच के बिंदु हैं इसमें भी। सतवीर सिंह जी, जी नमस्कार विशाल जी, मैं की प्रॉब्लम की वजह से आपसे दूर हो गया था और मैंने आपकी बात तो सुना, और ये सच्चाई ये है कि जिस विषय को आपने उठाया है वो काबिले तारीफ है। पीड़ित को शायद न्याय मिलना आने वाले समय और इस सरकार की व्यवस्था असंभव, और मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समय समय पे उन चीजों के बीच में मेरा आना जाना भी रहता है, तो सच में दुर्दिखता है और उस रूप में दुखता है कि मैं पीड़ित के अपने भाव से जिस बात को कहता था उनके पर्चे उन्हीं के सामने फाड़ के थाने में फेंक दिया जाता है और उनसे वो लिखवाया जाता है जो उनके साक्षित में जो है ना, जो उनको आरामदायक रहता है और उसका लेन देन कर सकते हैं। अभी जैसे कुणाल की हत्या की बात हुई, एक अकेला परिवार का अकेला बच्चा जाना कितनी दुख भरी घटना थी, थाने में किसी के लिए मर जाना कितनी बड़ी दुख भरी, इसका जिम्मेवार था हूं मैं। एक चीज अमिताभ जी हमारे साथ में है, शायद कानून की जानकारी उतनी मुझे नहीं है पर फिर भी मैं अपनी जिज्ञासा रखता हूँ, क्या जनमानस को 10% अधिकार मिल सकता है कि किसी, अगर 10% अधिकार अगर जनमानस को मिल जाए तो शायद न्याय की प्रक्रिया में कोई सुधार आ जाए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर पीड़ित को जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक उस संबंधित पीड़ित जो अपराधी है या जो भी विवेचना कारक है उस कार्य को करने की स्थिति में उससे दूर रहे और उसको पूर्ण स्थिति में कार्य करने तक जब तक न्याय ना हो जाए उस कुर्सी पर न बैठे। बहुत सारी चीजें इस तरीके की हैं, जो FIR पीड़ित लिखवाता है उसको गोलमोल किया जाता है कि मेरे हित कर क्या होगा, थाने में जितने भी दरोगा हैं या SHO हैं वो ये बोल पाते हैं कि मेरे हित कर क्या होगा, उसकी भाषा को परिवर्तन कराना, उसका काउंसलिंग करना, उनको डराना धमकाना, यानी उनको डराने धमकाने की प्रक्रिया रहती है कि वो उस अपराध को जो है ना लिखवाने की अपनी जो उसने सोचा है, जो पीड़ित है वो उस काउंसलिंग में क्या होता है उससे हट जाता है। और सच्चाई ये है कि मैं तो बार बार देखता हूँ
कि इससे दुख भरी घटना कुछ नहीं हो सकती। जहां एक न्यायालय है, जहां पे आदमी पीड़ित एक न्याय की उम्मीद करता है, उसी जगह पे वो ठगा सा महसूस करता है, तो ये एक जनमानस के लिए बहुत ही दुख भरी बात है। मेरे शब्दों में बस इतना कहना चाहूंगा कि ये कागजों पे स्लोगन लगने से कोई सुधार नहीं होने वाला, हम दीवारों पे पोस्टर लगा देने से हमें सुधार नहीं मिल पाएगा। हमें उन धरातल पे आना होगा, चाहे वो सरकार है, चाहे अधिकारी है, या संबंधित जो भी विवेचना करने वाला है, अगर वो न्याय की सत्यता के साथ आगे बढ़ेगा तो शायद उस पीड़ित को कुछ न्याय मिल पाएगा। धन्यवाद विशाल जी, आप सब बने रहिए हमारे साथ, एक ब्रेक की कमांड है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किस तरीके से पुलिस का बिहेवियर बदला है। मित्र पुलिस, हम सोच सकते हैं कि हम उनके पास जाएं, एक बहुत ही अच्छे तरीके से वो हमें ट्रीट करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। चाहे वो नोएडा हो, मेरठ हो, कानपुर हो, या और भी अन्य जगह, ये तो एक एक मामले हैं जो हाईलाइट हो गए। ऐसे तमाम मामले रोज होते हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़ खबरों। ये सारे पुलिस वालों ने हमारे पीड़ित को परेशान किया और मारने की कोशिश करी और बहुत मारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं राजू शर्मा का और उनसे जानते हैं कि भाई उस मामले में हुआ क्या, जिसमें वो महिला पेट्रोल लेके एसएसपी ऑफिस पहुंची हुई थी। राजू, बात की जाए तो पूरा मामला पहले आप समझेंगे, वो मामला क्या था? विशाल, मैं आपको बता दूं कि एक जमीन थी जो ये महिला आज कप्तान ऑफिस पहुंची थी और आत्महत्या का जिसने प्रयास किया, उसकी एक जमीन थी सरदाना थाना क्षेत्र में। उस जमीन को उसके ही परिवार वालों ने मिलकर, एक वो माफिया थी, उस जमीन को बेच दिया। उसके हिस्से की जो जमीन थी उसको बेच दिया गया। जब उस महिला को उस पूरे मामले की जानकारी हुई तो महिला ने थाना पुलिस से शिकायत की, चक्कर काटे वहाँ के, और जब अधिकारियों से फरियाद लगाई तो महीनों चक्कर काटने के बाद उस पर जो मुकदमा था 420, 467 और 468 इन धाराओं में दर्ज हो गया। उम्मीद महिला को ही लगी कि अब मुकदमा दर्ज हो गया तो कहीं ना कहीं अब जो कार्रवाई है वो हो पाएगी और महिला को जो महिला की जमीन है वो मिल पाएगी। इसके साथ ही जो आरोपी है वो माफिया और अन्य जो लोग हैं उस जमीन को बिकवाने वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो जेल गए। लेकिन इसके उलट हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो कार्रवाई थी वो वहीं की वहीं रही। मुकदमा लिखने के बाद कार्रवाई कुछ भी नहीं हो पाई और महिला जो है अधिकारियों की टोकटों के चक्कर लगाती रही, थाना पुलिस के चक्कर लगाती रही, फरियाद करती रही कि उसे इंसाफ दिया जाए, उसकी मदद की जाए। लेकिन महिला की जब मदद नहीं हो पाई तो आखिरकार आज महिला एक बार फिर मेरठ के कप्तान रोहित सिंह सजवान की चौखट पर पहुंची और मदद की गुहार लगाई। जब मदद का उसे आश्वासन नहीं मिला तो जैसे ही वो कप्तान साहब के ऑफिस से बाहर निकली, कार्यालय से उनके बाहर निकली, तो उसमें जो पेट्रोल की बोतल पहले से ही अपने साथ लेकर गई थी, उसमें से जो पेट्रोल था वो अपने ऊपर रख लिया और आग लगाने का प्रयास किया, यानी कि आत्महत्या करने का उसने प्रयास किया पुलिसिया कार्रवाई ना होने की वजह से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं परेशान होगी, रोज थाना चौकी सब चीज कराना एक महिला जो असहाय हो उसके लिए बहुत दिक्कत वाली बात होती है। हमारे साथ सुरेश अवस्थी, एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, अपनी बात को रखें। पंडित जी, विशाल पंडित जी, मैं यह कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं यूपी में कानून तैनात होगा, ये जो पुलिस वाले अलबत्ता कर रहे हैं जनता के साथ, जनता जो पुलिस से पीड़ित है और जो जाकर आत्महत्या कर लेती है, ऐसे में तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए जो यूपी के डीजीपी हैं उनको सख्त निर्देश दें और बारीकी से जांच कराएं, जो भी उसमें कोई गड़बड़ी पाए उनको तुरंत तत्काल उठा के जेल के अंदर भेज दें। जो आम जनता के साथ कार्रवाई होती है उसी तरीके पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कानून का सिकंजा टाइट होना चाहिए, कानून का हंटर चलना चाहिए। जनता के बीच एक अच्छा मैसेज पहुंचेगा और इससे नहीं कार्रवाई होगी, जनता के बीच में सरकार की चिरकिरी होगी। जो 24 में बता रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा काम होने जा रहा है 400 करोड़ वाला, खतरनाक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी अपनी बात को रखने का। रुख करेंगे हम अमित शर्मा का। अमित, कल एक बैठक होती है कई थानों के
मुझे लगता है कमिश्नर ने ये बैठक करी या एसीपी या डीसीपी की कानपुर में बैठक हुई है, उसमें ये कहा गया कि भाई कमिश्नर साहब बड़ा गुस्सा हो गए और उन्होंने सारे सर्किल के एसीपीज को ये कहा कि भाई आप लोग हैं कहाँ, आप लोग को पता ही नहीं है, इतना डी ब्रांड किया जा रहा है कानपुर पुलिस को, इतनी घटनाएं हो रही हैं और आप लोग को जानकारी ही नहीं, आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी मामला है? देखिए ये कानपुर के पूर्वी क्षेत्र का है जहां डीसीपी पूर्वी ने अपने क्षेत्र के थाना इंचार्जों को बुलाकर बैठक की थी। उनका ये कहना था कि अनावश्यक किसी को थाने ना बुलाया जाए, जबरदस्ती किसी को परेशान न किया जाए, अगर पूछताछ की बहुत सख्त जरूरत हो तभी बुलाया जाए, छोटी छोटी बातों पर आम जनता को थाने में ना बुलाया जाए जिसके कारण उन्हें समस्याएं होती है। लेकिन अब ये बैठक कितनी कारगर साबित होगी ये देखना होगा, क्योंकि पुलिस को निर्देश चाहे जो आए लेकिन ये दरोगा और सिपाही अपने मन का काम करते हैं, उच्च अधिकारियों की बिल्कुल नहीं सुनते हैं, क्योंकि ये दरोगा और सिपाही अपने आप को कमिश्नर समझने का काम करते हैं। जी कमिश्नर साहब क्या, अखिल कुमार नाम है शायद उनका, कानपुर से जो कमिश्नर हैं अगर मैं सही हूँ तो, बहुत लंबा समय उन्होंने एसटीएफ में भी दिया है और उनको आए थे तो मुझे लगा था जिस तरीके से वो जनता से मिल रहे थे, ठेले वाले रिक्शे वाले, तो मुझे लगा था एक बहुत अच्छे मतलब पब्लिक फ्रेंडली कमिश्नर आए हैं, मैंने कई बार उनसे दिखा और एक दो बार मिला भी हूँ, लेकिन उनके नाक के नीचे वो महकमा ये काम कर रहा है। पहले एक जेसीपी साहब थे वो चर्चाओं में रहते थे, बड़ा हार्डकोर एक्शन लिया करते थे, तुरंत त्वरित कार्रवाई होती थी, फिर इस बार तो ना जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर नजर आ रहे हो ना जेसीपी खुद दिख रहे हैं हमें। जी विशाल देखिए जेसीपी क्राइम भी एक पोस्ट है शायद कानपुर में, जेसीपी क्राइम भी एक पोस्ट बन के आई थी, उसमें निलाब्जा जी थे, अब पता नहीं कौन है इस पोस्ट पे, लेकिन उस इतने आईपीएस होने के बाद वसूली हो रही है सब्जी वाली से। देखिए विशाल जी कानपुर में एक दर्जन से अधिक आईपीएस हैं जो कानपुर को संभाल रहे हैं, ऐसे में अखिल कुमार जब गोरखपुर से कानपुर आए थे तो लोगों को ये लग रहा था कि जिस तरीके से अखिल कुमार ने त्रिनेत्र अभियान चलाकर गोरखपुर में क्रिमिनल्स का सफाया किया था तो वही कानपुर में करेंगे। शुरुआत की गई, चौराहों पर कैमरे लगाए गए और ये अखिल कुमार ने स्वयं कहा कि इन कैमरों के जरिए अपराधियों की पहचान होगी, अपराधियों से को पकड़ा जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं अपराधियों की पहचान होना और अपराधियों को पकड़े जाना अलग है, उनकी पुलिस ही अब अपराधीकरण पर उतर आई है कि आम जनता को मारने लगी, ऐसे में जो अखिल कुमार कमिश्नर है वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जोन बांट दिए हैं, जो डीसीपी पूर्वी पश्चिमी और ये जो डीसीपी है इन्हें ही कप्तान का चार्ज दे दिया और यही था जिले को चलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे में जो अखिल कुमार है वो सिर्फ बड़े बड़े मामलों को देखने का काम कर रहे हैं, वो अपनी पुलिस को देखने का काम नहीं कर रहे हैं। जी वो कितने बड़े मामले देख रहे हैं ये भी एक बात है कि भाई कौन सा बड़ा मामला, एक सब्जी आला मर रहा है ये बड़ा मामला नहीं है, FIR कराने एक व्यक्ति जा रहा है उसे मारा जा रहा है, मैं कह रहा हूँ आरोपी है लेकिन वो पुलिस की शरण में पहुँचा FIR कराने का। सतवीर सिंह जी के पास चलेंगे, सतवीर सिंह जी ऐसे मामलों में क्या करते हैं आप लोग, आप लोग तो बल्कि कानून की तरफ लोग कहते हैं कि भाई कोई दिक्कत हो देश का संविधान है और कानून है इसी के अंतर बात करिए, इसी आप जाइए अगर कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है आप कानून की मदद लीजिए, मान लीजिए सतवीर सिंह ने किसी की पैरवी करी कि भैया जाइए FIR करा दीजिए, वही मारा जा रहा, सतवीर सिंह जी की भी क्रेडिबिलिटी गिर रही है। विशाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज की तारीख की जो व्यवस्था है बड़ी भिन्न है, पहले जनमानस में या संबंधित कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता था उसकी बात को संज्ञान में लिया जाता था और जो संज्ञान में लिया जाता था तो वो व्यवस्था एक सामाजिक रूप से एक थी और उसमें हम न्याय भी मिल पाता था। आज की व्यवस्थाओं में तो मैं सबसे समझ रहा हूँ कि अगर वहां पे कोई पैसों की व्यवस्थाओं में अगर मेरा कोई अहित कर रहा है तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है। पुलिस की व्यवस्था वो हो गई है कि आज की तारीख में मेरा बेनिफिशियरी क्या है वो समाज की या जिम्मेदारियों को अपने हित कर नहीं सोच रहा है, तो मेरा हित सर क्या है, मुझे मेरे लिए क्या अच्छा हो रहा है, वो आपका कुछ भला करने नहीं आया हुआ है। अगर जो जिम्मेदारी उसको मिली है वो आपका भला नहीं करने आया है। अगर एक अपराधी अपनी कोई भी पीड़ित या प्रार्थना पत्र देता है तो उसमें भी संबंधित जो है ना उसको एक तरीके से जो है ना उसको बार बार इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि आप इसको इस तरीके से लिखिए, आप इस तरीके से लिखिए, बहुत सारी काउंसलिंग उसको इस तरीके से की जाती है तो उसके अपराध को कम कर दिया जाए और जो पीड़ित को जो मन में उनका विचार आता है उसको न्याय नहीं मिल पाता। और न्याय की व्यवस्थाओं में मैं जानता हूं कि अगर व्यवस्था पुलिसिंग व्यवस्था है तो सबसे पहले वो थाना ही है जहां सबसे पहले पीड़ित पहुंचता है और उससे न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ता है, तो वो व्यवस्था है तो मैं मानता हूं कि बहुत जीरो है। और ये मैं सच्चाई के साथ कहता हूं कि दीवारों पे पोस्टर लगाने से हम प्रशासन की व्यवस्था है नंबर एक है या उस तरीके से, तो जनमानस के लिए इससे बड़ा और धोखा कुछ भी नहीं है।
बहुत बड़ा धोखा है जनमानस के लिए। बिल्कुल, और जनमानस से एक भरोसा उठ जाएगा। देखिए पुलिस अगर मान लीजिए वकील अगर किसी अपने वकील में दो पक्षों में किसी में झगड़ा हो जाए और वकील मानने लगे जो फरियादी है, तो फिर क्या होगा? आदमी वकालत वालों पर भरोसा ही नहीं करेगा, पुलिस के पास क्यों जाता है कि भाई ये हमको परेशान कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई करिए, ज्यादा हो 151 दोनों लोग को बंद कर दीजिए। लेकिन पुलिस क्या कर रही, निकाला पट्टा शुरू हो गए, यही काम चल रहा है। मतलब लाल जी, आज मैं उस शुरुआती दौर से उस दौर तक पहुंचने में तो आज फाइनेंशियली बहुत मजबूत आदमी को ही कुछ ना कुछ उस समय थोड़ा बहुत न्याय मिल सकता है। अरे सर नहीं मिलता, मैं तो देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा तबका लग जाता है। एक एक दिन में मैंने जमानत होते देखी है, 307 तक के मुजरिम की एक एक दिन में मैंने स्वयं देखा है जमानत होते हुए। रात में उन्हें चौकी में बैठाया गया, चाय पिलाया गई, सुबह जमानत हो गई। बस चूंकि वो राजनीतिक पार्टियों और थोड़ा और चीजों में संलिप्त थे। मुनीन शर्मा के पास चलेंगे। मुनीन शर्मा, वो जो व्यक्ति था जिसने फांसी लगाकर या फांसी जैसे उसकी चौकी में मौत हुई, उस पर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज था और किस गुनाह में उसको पुलिस लेके आई थी चौकी? हाँ जी विशाल, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो व्यक्ति था इसका नाम लोकेश था और ये व्यक्ति बेसिकली एक लड़की के साथ में कोई लड़की थी, लड़की ने कंप्लेंट की थी कि उसके साथ में अफेयर था, जो भी कंसर्न था उसने उसके साथ में रेप किया, जो भी किया उस तरीके की धारा थी, उसके चलते इसको कल रात में लाया गया था। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो आरोप था ये क्लियर आरोप है या फर्जी आरोप है। पुलिस ने अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, पुलिस अभी ये भी नहीं बता रही है कि ये आरोप जो है किस लड़की ने लगाया था, उस आरोप की सत्यता क्या थी। लेकिन इसको लाके रात में बिठा लिया गया और सारी चीजें इसके साथ में की गई, टॉर्चर भी किया हो गया, जैसे कि उसके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि बकायदा 5 लाख रुपए की रिश्वत की बात की गई कि अगर 5 लाख रुपए दे दोगे तो इसको छोड़ दिया जाएगा, अदरवाइज मुकदमा लिख दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें हो गई। अभी क्या कहना लक्ष्मी सिंह जी का, वो तो बहुत तेज तर्रार IPS है और लगातार बहुत अच्छे अच्छे एक्शन लेती हैं। आते ही उन्होंने एक पूरा थाना सस्पेंड किया था, मुझे याद है जब वो नोएडा में आई थी, कई बड़े अधिकारियों को इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम किया था। उसका उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है? देखिए लक्ष्मी सिंह का अभी जो आधिकारिक बयान है वो सामने नहीं आया है, लेकिन जो उनके आदेश हैं वो मिल गए हैं कि पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया एंड इससे जो पोस्टमार्टम की बात की गई, पोस्टमार्टम में वीडियोग्राफी की जाएगी और जो आरोप है उनकी सत्यता की जाएगी। मतलब एक तरीके से लिपापोती वाली चीज अभी तक क्लियर है, कोई ऐसा बड़ा कोई इसमें कार्रवाई वाली बात नहीं आई है कि जो आरोप थे उस महिला के कि इसने मेरे साथ में रेप किया या जो भी है, उससे भी अभी तक कोई सत्यता या कोई इस तरीके का स्पष्टीकरण नहीं है। बस एक लिपापोती वाला कंसर्न चल रहा है कि सस्पेंड कर दिया, देन लोग बात भूल जाएंगे और उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। चलिए, लोग ऐसी चीज़ें भूलते नहीं हैं, अमूमन मैंने देखा है वो बहुत दूर तक याद रखते हैं। राजू शर्मा का रुख करेंगे। राजू, SSP ऑफिस के बाहर कोई घटना हो जाना, उसको लेकर आला अधिकारी क्या कह रहे हैं? उनका कुछ तो मानना होगा कि भाई ये महिला कभी नहीं आई हमारे पास, कुछ तो बयान उस थाने से भी गया होगा। सरधना मुझे लगता है खुद ही एक थाना है। हाँ बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में एनएसपी की टीम ने जब कप्तान ऑफिस बात करने का प्रयास किया तो उधर से कोई भी जवाब नहीं आया, वह सोने के बाद कहकर पल्ला झाड़ दिया। अभी आधिकारिक जो बयान इस मामले में आना चाहिए था वो भी कप्तान रोहित सिंह सजवान द्वारा जारी नहीं किया गया है, जबकि बड़ा मामला था कप्तान की चौखट पर आत्महत्या जैसा कदम उठाना एक पीड़ित के लिए बहुत बड़ा मामला हो जाता है। और फिर जब तमाम जो चैनल है इस खबर को उठाते हैं उसके बाद भी मेरठ के जो अधिकारी है वो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। आखिरकार ये कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है मेरठ की पुलिस पर भी और तमाम जो अधिकारी है उन पर भी, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी। आखिर पीड़ित को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा, क्यों इतने दिनों से चक्कर काटना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल विशाल ये है कि आखिर अब इस आत्मघाती कदम के बाद भी क्या पीड़ित महिला को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि अब से लगभग महीनों से महिला जो है चक्कर काट रही है अधिकारियों के कि कार्रवाई करे, जो आरोपी है वो माफ किया, उन्हें जेल भेजे, उसकी जो जमीन है जो बेची गई है अवैध रूप से उसको वापसी दिलाया जाए। लेकिन अब भी लग नहीं रहा है, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया अभी तक मेरठ के SSP का कोई बयान नहीं आया है इस पूरे प्रकरण पर कि आखिर पीड़ित को इंसाफ मिल पाएगा अभी या नहीं। एक बड़ा सवाल सतवीर जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी मैं अपने दफ्तर में जब इस मुद्दे को लेकर बात कर रहा था तो मुझे दो लोगों ने दो बातें बताई कि हमारे घर में चोरी हो गई, पुलिस को एप्लीकेशन दी गई, पुलिस वाले झांकने नहीं आए। दूसरी ओर एक और जगह बंद घर में चोरी होती है लेकिन इतना इंटीरियर है जहां पर लोग बहुत जल्दी नहीं जाते हैं तो वो घर बंद रहता है, वहां दो बार चोरी हो चुकी है। अमूमन एक बार पुलिस को बुलाया गया, एक बार पुलिस को भी नहीं बुलाया क्योंकि पुलिस वहां आती नहीं है।
पुलिस पेट्रोलिंग को लेकर बड़े दावे करते हैं हर जिले के कप्तान कमिश्नर। वो कहते हैं कि सब जगह पुलिस जो है आपका पेट्रोलिंग कर रही है, कोई दिक्कत हो 112 मिला, ये मित्र पुलिस है, ये आपके लिए हमेशा खड़ी है। और कई कई जगह मित्र पुलिस का चेहरा सामने आता भी है, लेकिन जब आप अच्छी चीज़ अपने लिए ले रहे हैं तो बुरी चीज़ों को लेने के लिए भी तैयार रही है। सीधी चीज़ें यहाँ पर भी हो गई। आप जिस तरीके से देखिए, राजू शर्मा ने बताया SSP का कोई बयान नहीं, अगर हम बात करें अमित शर्मा का, उन्होंने बताया कमिश्नर की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं। मुनीन शर्मा ने बयान वहाँ पर भी नहीं आया, नोएडा में भी लक्ष्मी सिंह का। तो क्या हम लोग हमेशा घूम फिर के छोटे ही लोगों को फंसाते रहेंगे, या उन्हीं पर जो मुलायम चारा होता उसी को चबाते रहेंगे? सतवीर जी, विशाल जी, आपने दोबारा बताएं कुछ? जी, मैंने आपसे सवाल पूछा किस तरीके से लोग, मतलब कोई बड़ा अधिकारी बयान नहीं दे रहा है, तो इंसाफ की हम मांग किससे करेगी जनता? आज विशाल जी बिल्कुल ठीक है, इस सोचने को मैं भी बहुत अपने दिमाग को चारों तरफ दौड़ाता हूं, तो मैं आपकी बात से सहमत हो पाता हूं कि आज उस विषय को लेके कहीं पीड़ित का कोई मददगार नहीं है, चाहे संबंध अधिकारी हो, उन पे उस कार्य करने की जो पद्धति है आज बड़ा बदलाव आ गया है, वो जनमानस के बीच में जाना ही नहीं चाहते। और हमेशा जो भी अभी हमारे संवाददाता ने कहा कि समय समय पर उनका जो तरकाने की जो व्यवस्था है उसमें वो निपुण हो चुके हैं कि पीड़ित को किस तरीके से तरकाया जाए, पीड़ित को किस तरीके से जो है ना वो अपनी जो है ना जो फरियाद लेके आए उसको किस तरीके से वहां से भगाया जाए, कोई संबंधित अधिकारी उसमें आगे आने को कभी तैयार नहीं होता। और संबंधित अधिकारी जो होता है नीचे स्तर पे ही जो है ना वो उसे बोलता है कि उसको बात को खत्म कर दीजिए, उसकी काउंसलिंग कर लिए और वो चला जाए। तो संबंधित मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि आज न्याय की व्यवस्था में अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल जीरो जीरो है कि जनमानस के लिए शायद सुधार की व्यवस्था खाली पोस्टरों पर रह गई है, पोस्टरों पे ही देखने समझने को मिल जाता है, उसी में न्याय की व्यवस्था आज चाहे हम उसे किसी पायदान पे रख लें, पर मेरे माने में आज जो कानून की व्यवस्था है बिल्कुल नगण्य और जीरो है, किसी पीड़ित को कोई भी न्याय नहीं मिलता। चलिए अमित शर्मा के पास चलेंगे और फिर इस डिबेट को क्लोज करता हूँ। अमित, कमिश्नर से संपर्क साधने की कोशिश तो की गई होगी, के न्यूज ने हम लोगों ने किया तो फोन उठा नहीं था, आप लोगों ने अगर फील्ड पर रहते हुए बात करने की कोशिश की हो? देखिए, क्राइम संभाल रहे इस समय हरीश चंद्र जी हैं कानपुर में, जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं वो कानपुर का क्राइम संभाल रहे हैं। उन्होंने इस पर अपनी स्पष्ट प्रक्रिया दी थी कि मामले की जांच चल रही है और जांच पर अगर ये दोषी पाए जाएंगे तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी, और जो विभागीय जांच चल रही है उस पर भी जल्द से जल्द बात निकलकर सामने आएगी किस तरीके की जाँच पूरी हुई है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर एक ही थाने में, जहाँ ऑलरेडी IPS तैनात है, एक IPS उस थाने में थाना प्रभारी के रूप में तैनात है जो पूरे थाने को देख रहा है, और IPS के होते हुए वहां के दरोगा, वहां के चौकी इंचार्ज बेलगाम है, तो ऐसे में अब क्या उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि जनता भी अब पुलिस कर्मियों से ही परेशान है, सरकार ताल ठोकती है कि उनकी जो कानून व्यवस्था है वो सबसे अच्छी है, लेकिन ये कानून व्यवस्था अब जनता के लिए काल बनती चली जा रही है, ऐसे में बड़े सवाल पुलिस पर खड़े होने लगे हैं। जी, मेरे को मुनेंद्र का रुख करेंगे। मुनेंद्र, क्या लग रहा है? लक्ष्मी सिंह को जब हम लोगों ने यहां से फोन किया तो उनका फोन उठता नहीं, हो सुनीति जो कि DCP नोएडा सेंट्रल है उनका भी फोन नहीं उठा, और ना तो दो चार बार उन्हें फोन किया गया, उस घटना को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्ट रूप से कोई कहता नजर नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल विशाल, बताना चाहूंगा कि अभी तक कोई भी किसी तरीके का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। एक बेसिकली जो इसका मीडिया सेल है उसने ये बताया है कि ये सारी चीजें जैसे कि थाने को सस्पेंड, चौकी को सस्पेंड कर दिया है या इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कोई भी आधिकारिक बयान नहीं है। अगर हम फोन कर रहे हैं तो आज फोन भी नोटिस पेंडिंग पे चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लगातार जो घटनाएं हो रही है, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि गौतम बुद्ध नगर में जब कमिश्नरेट बनाए तो अपराधियों पे और अपराध पे लगाम लगेगी, लेकिन लगातार जिस तरीके से अपराधी अपराध कर रहे हैं, लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कमिश्नरेट व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई है। चलिए देखते हैं कैसे कि ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी, आदमी और ये जनता का विश्वास कैसे फिर से जीत पाएगी ये पुलिस। जहां जहां जिन जिन जिलों में ये घटनाएं हो रही वहां कहीं ना कहीं थोड़ा विश्वास कम होता है पुलिस के लिए, क्या इन मामलों को लेकर पुलिस के पास ना जाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर सिंह जी आपका भी, राजू शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुनीन शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमित शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक पहेली बन जाती है कि भाई जमीन के मामले लेके मत जाओ, शायद आपकी सुनवाई वहां ना हो, वसूली हो रही है उसके लिए मत बोलो, पर जब आदमी सहन शक्ति से ऊपर बढ़ जाता है, जब उसको बिल्कुल नहीं सहा जाता, तब वो कोई ना कोई कदम उठाता है।
इन सबको देखना होगा, जिले में तैनात उन बड़े अफसरों को, कि कहीं उनकी टीम का कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो उस पुलिसिया दामन पर दाग लगाने का काम कर रहा है, देखना होगा। इन सब में सबको ये बात ध्यान रखनी होगी कि पुलिस का जो चेहरा जो हमें बताया गया है, जो हमें पढ़ाया गया है और जो हमें दिखाया जाता है, वो मित्र पुलिस का है, ना कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।